सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्विक डिसीजन। सो तो डिसीजंस क्या है, ये क्विकली लिए जा सकते हैं। कैसे क्विकली डिसीजंस यहाँ पर लिए जाएंगे बेटा? डिसीजंस आर क्विकली टेकन बाय द पर्सन्स। पर्सन्स लेते हैं जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके पास जब क्या हो जाती है, अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, तो उन्हें बार बार सुपीरियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनते डोंट नीड टू आस्क देम हाउ टू डू, उन्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं किस प्रकार से क्या है उन्हें करना है या क्या। तो वो इजीली क्या है, उस काम को उनके द्वारा किया जा सकता है। दे कैन कंप्लीट इट देयर सेल्फ। ठीक है, तो डिसीजंस क्या होते हैं फिर? क्विक लिए जाते हैं, वो खुद अवेयर होते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में वो वेल अवेयर हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनके द्वारा अच्छे से किए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर बेटा क्या है कि अगर उन्हें अथॉरिटी ना दी जाए तो पता तो एक्चुअल उनके नहीं है उस वर्क के बारे में, फिर उस सीनियर से किस तरह से उसके बारे में डिस्कस करेंगे या प्रॉब्लम्स को उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। इसके बाद में आ जाता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। बेटा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसे क्या है, रिलीफ मिलता है। रिलीफ कैसे मिलता है कि उनके पास फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, सॉरी मतलब उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि उन्हें किसी को बोलना है या क्या करना है। उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं। उसके बाद में जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो खुद क्या करेंगे, उसे मैनेज करेंगे, उस काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और उनका जो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका जो वैल्यूएबल टाइम है, दैट टाइम इज सेव्ड, वो सेव होगा। उसकी प्रॉपर क्या है, यूटिलाइजेशन उसकी की जाती है। देखिए आप इसमें भी दे रखा है आपको, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी रिलेटेड टू मोनोडोसियस डिसीजंस, यानी कि ऐसे जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा डेलीगेट सबॉर्डिनेट्स को ही दे दिए जाते हैं। एज अ रिजल्ट टॉप लेवल रिलीव करता है इट्सेल्फ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि उन्हें फिर कई चीज़ों में, यानी कि डिस पॉलिसीज भी बनाए, वर्कर्स को भी देखें, उनको डिसीजंस भी लें। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो ट्राइबल जो वर्कलोड है उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज वाई इन दिस वे दे से देयर, उनका जो वैल्यूएबल कीमती समय है उसे बचाया जा सकता है, विच इन देन यूटिलाइज कर सकते हैं वो बेटर ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए, उसे और ज़्यादा मतलब अच्छा बनाने के लिए। ग्रोथ फैसिलिटेट अंडर डिसेंट्रलाइजेशन, जो फुल लिबर्टी पूरी की पूरी पावर सबॉर्डिनेट्स को दे दी जाती है कि उन्हें अपने कार्यों से रिलेटेड फैसले लेने हैं। ये जो सिचुएशन होती है, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करती है सबॉर्डिनेट्स के अंदर क्रिएट करती है, और ये उन्हें क्या करती है, एबल बनाती है कि वो बेटर क्या करें, डिसीजंस ले सके। और जिससे कि उनकी क्या होती है, जो ग्रोथ होती है, कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है उनके अंदर वो डेवलप होती है, अच्छा कंट्रोल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है कि वर्क को इवेल्युएट किया जाए, कैसे कर रहे हैं वो, इजीली फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है और अच्छे से उन्हें क्या है, कंट्रोल किया जा सकता है। मैनेजमेंट है वो गुड चेंज, जो कंट्रोलिंग पॉलिसीज है उन्हें क्या कर सकता है, बना सकता है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपको कुछ पावर्स दे दी जाए तो ऊपर अथॉरिटी है वो इजीली, जब उसका वर्कलोड कम हो जाए तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार होता नहीं, आप लोगों ने देखा हो कि हमारे ऊपर कई बार वर्कलोड ज्यादा आ जाता है तो आपका कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। तो जब सिस्टमेटिकली अगर उस काम को औरों के बीच में भी अगर डिवाइड कर दिया जाए, मतलब आपको भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम दे दें, आपको भी हम पावर दे दें कि काम तुमने करना है भाई, तुम करो इसको, तो क्या हो जाता है, उससे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और एक अच्छा कंट्रोल क्या होता है, दोनों के बीच में बनता है। क्यों? क्योंकि आप भी फिर फ्री नहीं रहोगे, आप भी किसी न किसी काम में एंगेज रहते हो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन? सबसे पहले नेचर, बट डेलीगेशन ऑफ जो अथॉरिटी है वो इनवाइटेबल है, वो कैन नॉट प्रोसेस इन द एब्सेंस, यानी कि जब तक अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, अथॉरिटी इसके अंदर इनवाइटेबल है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक किसी को पावर नहीं दी जाएगी डिसीजन लेने की, वन कैन नॉट डू वर्क, तो दूसरा बेटा कार्य नहीं कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वर्क क्या करता है उसमें अथॉरिटी के बिना भी प्रोसीड होता है, कि जिसको काम है परमानेंट दे दी है ना, वो तो
ठीक है, तो परमानेंट हो गई है, ये टेम्परेरी होती है, तो टेम्परेरी अगर ये प्रोवाइड नहीं की गई तो वर्क नहीं होगा, उसके अंदर तो वो परमानेंट है, ठीक है, तो वर्क इसके अंदर उसके एब्सेंस में भी क्या है, पूरा कर लिया जाता है। बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में लेस फ्रीडम होती है पावर देने के बाद भी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी फ्रीडम होती है कि आप जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे आप अपने सबोर्डिनेट से कार्य करवा सकते हैं, पूरी की पूरी पावर उनके पास होती है, क्योंकि इसमें काम होते ही पावर क्या होती है, वापस सुपीरियर के पास चली जाती है। दिस इज द प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जन्म किसकी वजह से होता है, कार्य के बंटवारे की वजह से, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है ड्यू टू द हायर जो ऑफिसर्स जो पॉलिसीज बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ड्यू टू दैट स्कोप इट डिप्लाइज लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का, तो उसका क्षेत्र है वो बहुत संकुचित रह जाता है, कम रह जाता है। लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है, सॉरी बेटा डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी वाइड होता है, क्योंकि परमानेंट होती है। इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, वर्कलोड को ऑफिसर का कम करना। इसका पर्पस क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी है उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, उसको एक्सपेंशन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बेटा इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है इट इज कम्प्लीटेड, ये आपकी पूरी यूनिट आप लोगों ने बेटा याद करना है, यू हैव टू डू नाउ। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हैं, बुक्स आप सभी बच्चों के पास है, विच क्वेश्चंस यू हैव टू डू, मैं उसकी फोटो भी आपके पास सेंड कर दूंगी, और प्लस उसके साथ मैं आपको बता भी रही हूँ कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं। यू हैव टू दीज 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, देख लो आप ये वाले क्वेश्चंस और ये 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, तो ऑलमोस्ट दीज आर 7 और ये आपके 6 हैं। तो आपने इस पेज पे से इन क्वेश्चंस को करना है, सीधा पेज नंबर 152। तो दीज क्वेश्चंस आर डन बाय यू।